हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरी नई वीडियो है इंटरमस्कुलर स्पेसिस पे। ये वाला टॉपिक मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि देखिए ये वाला जो टॉपिक है हमेशा से कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि इसमें बॉर्डर है, बाउंड्री है, कंटेंट है, आपको समझ नहीं आएगा ये है कहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट कहाँ पे होता है। जो हमारे इंटरमस्कुलर स्पेसिस होते हैं वो हमारी स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और किससे सराउंडेड होते हैं? मसल से सराउंडेड होते हैं। तो हमारी इसमें मसल्स कौन सी इन्वॉल्व है? टीरिस माइनर मसल, टीरिस मेजर मसल और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो दोस्तों ये वाला जो मॉडल है मैंने इसलिए तैयार किया ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपको मजा भी आए पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे तीन स्पेस होते हैं, इंटरमस्कुलर स्पेस जो होते हैं हमारे तीन होते हैं। पहला होता है क्वाड्रेंगुलर स्पेस, दूसरा होता है हमारा अपर ट्रायंगुलर, ये हमारा क्वाड्रेंगुलर शेप का है तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ये हमारा अपर ट्रायंगुलर और ये वाला हमारा लोअर ट्रायंगुलर। जो हमारा अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर जो होता है ना वो हमारा डायगनली अपोजिट होता है। तो दोस्तों अगर एग्जाम में आया है टॉपिक कि इंटरमस्कुलर स्पेस बताइए, तो आपको इंटरमस्कुलर स्पेस में क्या करना है, डायग्राम बनाना है, उसके कंटेंट लिखना है और बाउंड्री लिखनी है। तो बाउंड्री, अब ये देखे ये हमारा बाउंड्रीज है। अब इसको देख के कोई भी परेशान हो जाएगा, तो बाउंड्री याद करने की जरूरत नहीं है। आप इस वाले मॉडल को पढ़ोगे ना आपको बाउंड्री खुद ब खुद याद हो जाएंगी। बस आपको ये वाला मॉडल ध्यान में रखना है। तो देखिए मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते आपको ये याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है क्वाड्रेंगुलर स्पेस। क्वाड्रेंगुलर स्पेस की सुपीरियर बाउंड्री, ये हमारी सुपीरियर बाउंड्री क्वाड्रेंगुलर स्पेस की, ये हमारी इंफीरियर बाउंड्री, ये है हमारी लेटरल बाउंड्री और ये है हमारी मिडिल बाउंड्री। तो देखिए सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? टीरिस माइनर। इंफीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? टीरिस मेजर। लेटरल बाउंड्री कौन बना रहा है? ह्यूमरस। और मीडियल लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई बना रहा है। अब आपको एग्जाम में सिर्फ इतना नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि जो हमारे सुपीरियर बाउंड्री बना रहा है वो कौन बना रहा है? टीरिस माइनर मसल का इन्फीरियर बॉर्डर। ऐसे ही जो हमारा इन्फीरियर बाउंड्री बना रहा है वो कौन बना रहा है? टीरिस मेजर मसल का सुपीरियर बॉर्डर। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ये लिखा है सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ टीरिस माइनर, तो इन्फीरियर बाउंड्री ऑफ टीरिस माइनर। ऐसे ही मीडियल, मीडियल कौन बना रहा है? लेटरल बॉर्डर ऑफ, सॉरी मीडियल ये है, मीडियल कौन बना रहा है? लेटरल बॉर्डर ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। तो ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप मसल है, ट्राइसेप ब्रेक है, तो इसका लेटरल बाउंडर, लेटरल बॉर्डर कौन सा हुआ? ये वाला। और मीडियल बॉर्डर ये हुआ। तो ऐसे ही अब अगले स्पेस पे आ जाते हैं। अगला स्पेस है हमारा अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर की सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? आप बिना देखे, यहाँ पे बिना पढ़े बता देंगे कि सुपीरियर बॉर्डर बना रहा है टीरिस माइनर का इन्फीरियर बॉर्डर, सॉरी सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? टीरिस माइनर का इन्फीरियर बॉर्डर। ऐसे ही इन्फीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? टीरिस मेजर का सुपीरियर बॉर्डर। तो दोस्तों ये करना है। फिर हमारा आ गया लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। लोअर ट्रायंगुलर स्पेस देखिए मीडियल, मीडियल कौन सा? ये साइड। मीडियल कौन बना रहा है? लेटरल बॉर्डर ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेक है, लेटरल बॉर्डर ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेक है। फिर लेटरल, लेटरल बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री कौन बना रहा है? मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस, क्योंकि ये ह्यूमरस का मीडियल बॉर्डर है और ये ह्यूमरस का लेटरल बॉर्डर, ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है। तो हमारे जो हमारे स्पेसिस होते हैं, इंटरमस्कुलर स्पेसिस होते हैं, वो एनाटॉमिकल स्पेस भी बोलते हैं हम उनको, या फिर हम उनको पोटेंशियल स्पेस भी बोलते हैं। और ये जस्ट कैविटी है, इनमें से हमारे कंटेंट आएंगे। तो ये वाला तो हो गया हमारा कंटेंट, सॉरी बाउंड्रीज के लिए। अब आते हैं हम कंटेंट पे। आपको डायग्राम भी चाहिए, अब ये तो आप ले जाएंगे नहीं मॉडल, तो आपको डायग्राम चाहिए। तो मैं आपके लिए एक इजी सा डायग्राम लेके आया हूँ। बुकिश डायग्राम ना बना के आप ये वाला डायग्राम बनाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कम टाइम भी कंज्यूम करेगा और आप इजिली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं इससे। तो देखिए दोस्तों अब मैं आता हूँ कंटेंट पे। जो हमारे क्वाड्रेंगुलर स्पेस है इससे तीन चीजें पास होंगी, नर्व, आर्टरी और वेन। हमारे जो एनाटॉमिकल कलर कोडिंग होती है उसमें नर्व के लिए येलो, आर्टरी के लिए रेड और वेन के लिए ब्लू कलर यूज करते हैं। आपको भी यही, और मसल के लिए ब्राउन कलर यूज करते हैं, रेड नहीं करना है, ब्राउन करना है। तो देखिए अब देखिए जो हमारा स्कैपुला और ह्यूमरस है इसके बीच में होता है एक्जिला, तो यहां से नर्व कौन सी निकलेगी? एक्जिलरी नर्व। तो आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है, हमारी कौन सी बोन है ये वाली? ये हमारी ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस बोन है। तो आर्टरी और वेन भी इसी से याद हो जाएगी, ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये साइड कौन सी है? पोस्टीरियर साइड है ये। और ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स क्यों बोला इसने इसको हमने, क्योंकि ये जो हमारी आर्टरी और वेन है वो वाइंड राउंड होती है, इसपे हमारे ह्यूमरस पे वाइंड राउंड होती है। अब लोअर ट्रायंगुलर स्पेस पे आ जाते हैं। लोअर ट्रायंगुलर स्पेस पे जो कंटेंट है वो भी एन ए वी, अपर टू लोअर हमारे नर्व, आर्टरी, वेन होंगे।
दोस्तों ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, रेडियल नर्व, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी और प्रोफंडा ब्रेकाई वेन। अब आते हैं हम अपर ट्रायंगुलर स्पेस में। अपर ट्रायंगुलर स्पेस में भी दोस्तों इसमें नर्व नहीं होते, सिर्फ आर्टरी और वेन होगी। अब तो इसका भी आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद रह जाएगा। क्योंकि देखिए सर्कमफ्लेक्स इसलिए बोला क्योंकि ये स्कैपुला पे वाइंड राउंड करेगी, और स्कैपुलर इसलिए बोला क्योंकि ये स्कैपुला बोन के ऊपर वाइंड राउंड करेगी। तो सर्कमफ्लेक्स, स्कैपुलर, आर्टरी एंड वेन। और ये जो आर्टरी है ना, ये हमारी एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला में पार्टिसिपेट करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही है, और एक और चीज से ध्यान रख सकते हैं आप, एक हमारा न्यूमोनिक होता है इस टाइप का। तो देखिए मैंने तीन ये स्पेस बना दिए मैंने आपके, ये हमारा क्वाड्रेंगुलर स्पेस हो गया ये वाला, ये अपर ट्रायंगुलर स्पेस हो गया, और ये लोअर ट्रायंगुलर स्पेस हो गया। ये ध्यान रखना है लेकिन आपको इसको बनाते हुए कि ये वाली फिंगर है ये आपकी नीचे आएगी। ये वाला जो फिंगर है ये हमारी ह्यूमरस डिनोट करी है, ये हमारी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई है, ये वाली फिंगर हमारी टीरिस माइनर, और ये वाली फिंगर हमारी टीरिस मेजर। तो ये टीरिस मेजर भारी मसल होती है, तो इसको आप नीचे रखिएगा। तो ये हमारा तैयार हो गया, आप इससे भी बाउंड्रीज याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।